गुड इवनिंग, मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग मेंचुरेशन पढ़ रहे थे, आज मंडे, और मंडे को हम लोग आज पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। दो दिन तक सैटरडे को मैंने आपको कैलकुलेशन के बारे में बताया था, संडे को थोड़ा सा हमारी जो टॉक होती है संडे को नॉर्मल टॉक वो थी, और आज की क्लास में अब हम लोग शुरुआत करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज के बारे में। और समकोण त्रिभुज के बारे में हम लोग वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे जो मतलब आज तक आप लोगों ने सारा राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ा तो है, लेकिन आपने किस टाइप से पढ़ा है और आपको CDS या SSC के जिस स्टैंडर्ड के पेपर आ रहे हैं उस स्टैंडर्ड के पेपर के लिए किस स्टैंडर्ड से पढ़ना चाहिए वो आज की क्लास से आपको बाद में पता लगेगा। आज की क्लास ख़त्म होने के बाद आप लोग पक्का कमेंट करना कि आज की क्लास कैसे लगी। कमेंट्स आप लोग हमेशा क्या करो, चलो वीडियो, चलो मैंने सबसे पहले आपको कहा था सब्सक्राइब करो, नहीं करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने पहले तो कहा था कर लिया करो, फिर नहीं करो कोई ठीक है, फिर मैंने कहा लाइक तो कर ही दिया करो, तो आपने वो भी ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करते हो, लेकिन कमेंट्स आप लोग हमेशा क्या करो, कमेंट हमेशा आप लोगों को करना है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे देखिए, इस प्रकार से मैं सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं राइट एंगल ट्रायंगल में, कि इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज है तो यहां पर कोई भी इस वर्टिसेस को एक स्क्वायर का वर्टेक्स लेकर अगर राइट एक स्क्वायर बना दें उसकी साइड क्या होगी, ऐसे बना दें उसकी साइड क्या होगी, यहाँ पर कोई सर्किल बना दिया जाए अर्धवृत्त बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी, यहाँ पर कोई अर्धवृत्त बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर कोई भी सेमी सर्किल यहाँ पर बना दिया जाए अर्धवृत्त बना दिया जाए उसकी रेडियस क्या होगी। राइट एंगल ट्रायंगल में दो अपने पास इस प्रकार से अगर सर्किल रखते हैं यहाँ से यहाँ तक, एक ये और एक ये, ऐसे सर्किल रख दिया जाए, ये मैं आपको ज्योमेट्री में पढ़ा चुका हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अपने पास अगर ऐसा हो कि दो इक्वल रेडियस के सर्किल अगर रख दिए जाएं बराबर वृत्त के ऊपर, ये बड़ा नहीं, तीनों को टच नहीं करे, ऐसे रख दिया जाए या तीन रख दिए जाएँ या चार रख दिए जाएँ या इस प्रकार से अगर रख दिया जाए, यहाँ पर ये सर्किल अगर इस पर रख दिया जाए तो क्या होगा, या ये सर्किल अगर दो सर्किल इस पर हाइपोटेनस पर अगर रख दिए जाएँ इस प्रकार से तो अपने पास किस प्रकार से करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ों का डिस्कशन होगा आज की क्लास में। आपने हो सकता है ये अलग अलग पॉइंट कोई कहीं पर कोई कहीं पर कोई कहीं पर पढ़ते टाइम देखा होगा, लेकिन एक फिक्स सारी जगह नहीं मिलता कि सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएं। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मुझे फिर दूसरी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़े, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आज की क्लास में डिस्कस करूँगा। ध्यान रखना, अचानक से एक साथ तो मैं सारे इसका आंसर ये इसका आंसर ये इसका आंसर ये एक साथ तो नहीं रटवा सकता, इसके लिए आपको एक कंप्लीट वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन ये कंप्लीट वीडियो अगर आप लोग देखते हो तो आप लोगों को पता लगेगा कि हाँ रियल में आप लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल कैसे पढ़ना चाहिए था आज तक। शुरुआत करता हूँ मैं हमेशा और हमेशा आसान पॉइंट से, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे 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 अपने स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। जैसा आप लोगों को पता है कि मेरी क्लास हमेशा और हमेशा शुरुआत जो होती है वो आसान पॉइंट से शुरुआत होती है, और फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में नीचे जैसे स्क्रॉल करोगे ना, कुछ लोगों को कमेंट करने नहीं आते, तो मैं बता दूं कि नीचे जैसे ही स्क्रॉल करते चलोगे कमेंट बॉक्स, नीचे कमेंट बॉक्स आएगा, उसमें आपको कमेंट्स 100% करने हैं अगर वीडियो आप देखते हो तो। तो देखिए यहाँ पर अपने पास शुरुआत करते हैं, अब आसान चीज़ों से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज ए बी और सी, इस प्रकार से मान लीजिए ए बी और सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये वाली साइड अपने पास मान लो ए है, ये वाली साइड मान लीजिए बी है और ये वाली साइड सी है, या जो ये नीचे वाले को आप लोग बेस भी मान सकते हो, ये अपने पास बेस है और ये अपने पास हाइट है। तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा, इसके क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होगा वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और ये सभी को याद रहता है इसके एरिया का फॉर्मूला। लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं हमेशा और हमेशा आसान पॉइंट से, धीरे धीरे हम लोग आगे चलते हैं। इसके एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दो साइड्स और उसके बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला हमेशा होता है हाफ ए इंटू बी इंटू उनके बीच का कोण साइन में, और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए हम लोग इसको नहीं लेते और अपने पास इतना ही याद रखते हैं कि हाफ ए बी ये अपना आंसर है। तो आप लोग सबसे पहले राइट, और सभी को ये तो याद रहता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना कि राइट एंगल ट्रायंगल में कभी भी अगर अपने पास इस प्रकार से इसका एरिया अगर फाइंड आउट करना पड़े तो इसका फॉर्मूला होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आइए अब मैं छोटे छोटे पॉइंट्स आप लोगों को बताता हूँ और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस प्रकार से अगर कभी भी अपने पास क्वेश्चन आ जाए,
एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ये वाली साइड मान लो ए है, ये वाली साइड मान लो बी है और ये वाली साइड मान लीजिए सी है। पहला और आसान जो क्वेश्चन अपने पास बनता है वो इस टाइप से बनता है कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो एक वर्टेक्स है उसको वर्टेक्स लेते हुए इसको एक स्क्वायर बना दिया जाए इस प्रकार से। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल को एक वर्टेक्स लेते हुए अगर इसके अंदर एक स्क्वायर बना दिया जाए तो बताइए उस स्क्वायर की साइड क्या होगी, उस वर्ग की भुजा क्या होगी, ऐसा हम लोगों से वो पूछता है। तो स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में आप लोगों को काफ़ी डीप से काफ़ी अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ये आप लोग स्क्वायर वाला जो पॉइंट मैंने बताया था उसमें आप लोग वापस से देखिए। तो यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, ये अपने पास एक्स है, कंप्लीट बी था, नीचे वाला अगर एक्स है तो ये ऊपर वाला बचा बी माइनस एक्स। पहले मैं आपको समझाता हूँ इसका बेसिक तरीका क्या होगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि इसको डायरेक्ट आप लोग कैसे याद रखोगे। पहले एकदम बेसिक और फिर मैं इसका डायरेक्ट तरीका आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ए था, साइड ए थी ये तो, और ये अगर एक्स है तो ये वाली जो साइड होगी वो कितनी होगी अपने पास ए माइनस एक्स। तो देखो आप लोग ध्यान देना, यहाँ पर स्क्वायर का एक कोण 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये ऊपर वाला जो छोटा सा ट्रायंगल बना, क्या आप लोग उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हैं। बेस अपने पास एक्स है, हाइट अपने पास बी माइनस एक्स है, तो इसके एरिया का जो फॉर्मूला हुआ वो हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस एक्स है और हाइट बी माइनस एक्स। क्या आप लोग इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इस स्क्वायर का एरिया होगा अक्स स्क्वायर। ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ कि एक कॉन्सेप्ट अपने पास कि सभी का स्क्वायर एरिया निकाल लो और फिर बराबर में रख लो कंप्लीट का एरिया, और ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते ना उसको एक बार ऐसे सोचने की कोशिश करना, क्या पता आपसे हो जाए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं और कॉन्सेप्ट ये है कि सभी आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल लो। यही नहीं, आगे भी जब आप लोग देखोगे खुद चेक करना कि मैंने कहाँ कहाँ ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है। मैं फिर बताता हूँ, अलग अलग आकृति का क्षेत्रफल निकाल लो और फिर बराबर में टोटल का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल एक बार बताता हूँ, ये स्क्वायर का एरिया एक्स स्क्वायर, इस राइट एंगल ट्रायंगल का बेस तो ये है बी ए माइनस एक्स और हाइट एक्स है, तो ये आ गया हाफ इंटू ए माइनस एक्स इंटू एक्स। इन सभी को ऐड करें तो बराबर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया हाफ ए बी। तो आप लोग ध्यान रखना, एक कॉन्सेप्ट में आज की क्लास में बहुत सारी जगह लगाऊंगा और आपको अचानक लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कैसे होना चाहिए, ये क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, ये कैसे कर पाएंगे, उस टाइम आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये वाला कॉन्सेप्ट, जिससे क्वेश्चन जल्दी सोल्व होंगे। और इसको तो मैं डायरेक्ट तरीके से भी समझा सकता था लेकिन मुझे ये कॉन्सेप्ट एक बार आपको बताना जरूरी था ताकि आपके समझ में आए। तो यहाँ से अगर हम लोग दो एलसीएम ले लें तो ये अपने पास यहाँ पर ऊपर नीचे गुना कर दो, दो से लिख लिया होगा आपने, साथ साथ लिखते चला करो, नोटबुक और पेन साथ रखा करो, दो से ऊपर नीचे गुना कर दिया, अब दो सभी जगह से एलसीएम आके कट जाएगा। तो ये बचा बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये बचा टू एक्स स्क्वायर और ये बचा अपने पास ए एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए पी। एक्स स्क्वायर माइनस का है, यहाँ दो बार प्लस का है, इन दोनों से एक्स कॉमन आएगा तो अपने पास बचेगा ए प्लस बी इंटू ए बी और ये एक्स का जो मान आया वो आया ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। अब एक बात आप लोग ध्यान देना, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, मुझे ये बताइए क्या मैंने ऐसा आप लोगों को बता दिया या ऐसा मैंने लिखवा दिया है क्या कि किसी भी ट्रायंगल में अगर अंदर की तरफ स्क्वायर बनाओ, किसी भी ट्रायंगल में अगर अंदर की तरफ स्क्वायर बनाओ तो उसकी साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अंदर की तरफ का जो फॉर्मूला होता है, अंदर की तरफ स्क्वायर अगर बना दिया जाए तो उसके एरिया का, उसकी साइड का हमेशा फॉर्मूला, अंदर की तरफ स्क्वायर बनाया जाए उसकी साइड का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। तो इस स्क्वायर की अगर आप लोगों को साइड अगर निकालनी है तो इस स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला होगा बेस इंटू हाइट, बेस तो यहाँ ए है इंटू हाइट बी है अपॉन ए प्लस बी, ये डायरेक्ट आप लोग याद रखिए। और ये कहाँ से आया, ये कल की क्लास में मैंने सिमिलरिटी से, पिछली जो क्लास है मेरी उसमें सिमिलरिटी से मैंने अच्छे से बताया, बहुत सही तरीके से ये चीज़ मैंने समझाई है, इसको आप लोग याद रखना। तो मैं फिर समझा देता हूँ, ये कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट पता लगे, और काफ़ी सारी जगह लगाऊंगा मैं ये चीज़ें कि इस
तो अलग अलग का क्षेत्रफल निकाल लो और बराबर टोटल ट्राइंगल का एरिया लगा लो और काफ़ी जगह ये कॉन्सेप्ट हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आप और पिछली क्लास में मैं समझा चुका हूँ ये आया कैसे, वो भी मैं बता चुका हूँ। तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है, साइड का फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट। बेस वो वाला लेना है जिस पर आप लोग स्क्वायर बनाओ, तो यहाँ पर इस पर स्क्वायर बनाया तो ये बेस भी ले सकते हो या ये बेस भी ले सकते हो। ये बेस लोगे तो ये हाइट का काम करेगी और ये बेस लोगे तो फिर ये हाइट का काम करेगी। और साइड का फॉर्मूला बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, फॉर्मूला ऐसे सोल्व कर लो तो भी आएगा, ऐसे सोल्व कर लो अगर याद है तो भी आएगा। तरीके बदलने से कभी भी आंसर नहीं बदलते, ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, इसी का थोड़ा सा अपडेट अगर क्वेश्चन आया तो कैसे आ सकता है, आइए सीखने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना और सभी लोग सीखने की कोशिश करना, क्योंकि ये सारी की सारी जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग पढ़ रहे हैं। अब अगला जो स्क्वायर इस पर बनाएगा वो, अगला जो स्क्वायर इसके अंदर बनाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ए बी सी के अंदर, और सारे कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। ये कंप्लीट वीडियो देखते हो तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको खुद को ही समझ में आएंगे कि हाँ कैसे कैसे हम लोग सोल्व करते हैं। ए बी और सी मान लो इस प्रकार से, ये वाला पॉइंट ए मान रहे हैं, ये बी मान रहे हैं और ये सी मान रहे हैं। अब की बार स्क्वायर जो अपने पास है उसके हाइपोटेनस को एक साइड माना, जो स्क्वायर की साइड है उसके हाइपोटेनस पर है। अब बताइए आप लोग इसकी साइड कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना ये यहाँ से यहाँ तक साइड C है, ये साइड वाली जो यहाँ से यहाँ तक साइड अपने पास C है, ये आप लोग ध्यान रखना। तो आप लोग अगर इसकी इस साइड पर हाइपोटेनस पर अगर स्क्वायर है तो एक तो सिमिलरिटी लगा कर करते हैं बहुत सारे लोग, जो मैं ज्योमेट्री में आप लोगों को अगर ये करना होता तो हम लोग सिमिलरिटी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं समझा चुका हूँ कि स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल के अंदर स्क्वायर जैसे आप लोग पुट करो कभी भी, हमेशा और हमेशा आप लोगों को क्या करना है कि बेस इंटू हाइट, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट, बेस तो सी होगा और हाइट आप मान लीजिए पी है, तो अपने पास यहाँ से इसकी साइड का जो फॉर्मूला होगा, जो स्क्वायर बना इसकी साइड अगर एक्स माने या कुछ भी मान लो, उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा अपने पास बेस सी है और हाइट अपने पास पी है अपॉन सी प्लस पी। और आप लोग मुझे ये बताइए, सारे लोग जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सारे लोग एक बार ध्यान देकर मुझे बताओ, क्या अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल में पी निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या ए इंटू बी अपॉन सी है क्या? हाँ ना बताओ आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल में ए इंटू बी अपॉन सी अपने पास पी निकालने का फॉर्मूला, ज्योमेट्री में मैंने इसके एल्टीट्यूड डालते इसके चार फॉर्मूले बताए थे और चार फॉर्मूले यहाँ भी एक बार मैं वापस रिवाइज तो करवा दूंगा, और जहाँ जहाँ ज्योमेट्री मैंने पढ़ाई है उसमें कहा था कि ये चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो ध्यान रखना P बराबर A इंटू बी अपॉन सी, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P का मान लिख दो, क्योंकि हमें P हम लोगों ने खुद ने ड्रॉ किया, हमें A B C में आंसर देना है, तो C इंटू P, P की जगह हम लोग लिख सकते हैं A इंटू बी अपॉन सी। ऐसे ही इस P की जगह हम लोग लिख सकते हैं A इंटू बी अपॉन C, C से C कट जाएगा और ऊपर बचा A इंटू बी और नीचे आ गया अपने पास सी स्क्वायर प्लस ए बी, और नीचे वाला जो C है वो पलट कर ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा A इंटू बी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर की, C पलट कर ऊपर चला गया A इंटू बी इंटू सी। सी स्क्वायर की जगह पाइथागोरस थ्योरम तो सारे लोग जानते होंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या हम लोग यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? किसकी जगह? सी स्क्वायर की जगह, प्लस ए बी तो चल ही रहे, तो ये अपने पास आ गया एक स्क्वायर की साइड अगर इस प्रकार से स्क्वायर बनाए तो। तो पहला पॉइंट था इस प्रकार से स्क्वायर बनाओ तो अपने पास ये साइड आएगी, और यहाँ पर बनाओ तो बेस इंटू हाइट अपॉन बेस प्लस हाइट, फॉर्मूला ये होता है। मैं डायरेक्ट भी ये याद करवा सकता था कि इसको रट लो, लेकिन चीज़ें रटने के बजाय अगर समझी भी रहती हैं तो वो ज़्यादा दिन याद रहती हैं। तो दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना, सबसे पहला पॉइंट। अगला पॉइंट देखिए मैं समझाता हूँ आपको, कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट समझने की जो आसान है, और इसको मैं ज्योमेट्री में भी आपको एक बार समझा चुका हूँ इसलिए ये थोड़ा सा आसान पॉइंट है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ये वाली साइड मान लीजिए ए है, ये वाली साइड मान लो बी है और ये वाली साइड मान लीजिए सी है। एक राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अपने पास साइड ए बी सी, इसमें अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर हमें लिखनी पड़े, अंतर्वृत्त की त्रिज्या अगर निकालनी पड़े, ये अंदर की तरफ सर्कल अगर हम लोग बना दें और इसकी रेडियस अगर हम लोगों को फाइंड आउट करनी पड़े कि आर की वैल्यू क्या होगी, ऐसा अगर हम लोगों से पूछ ले। मैं आपको पिछली क्लास में ऐसा होता क्यों है ज्योमेट्री में भी समझा चुका हूँ, और पिछला जो मेंसुरेशन का पॉइंट था उसमें भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि ये क्यों होता है। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमेशा होता है क्षेत्रफल अपॉन एस, आप लोग मुझे बताओ याद है क्या?
जैसे ही मैं बोलता हूँ कि याद है क्या, जहाँ पर आप लोग बैठे हो आप लोगों को बोलना है कि हाँ ना, ऐसे बोलना है। और ऐसे अगर आप लोगों ने एक बार बोलना शुरू कर दिया तो आपको खुद को नहीं पता लगेगा कि 40 या 45 मिनट की जो क्लास है कब तो ख़त्म हो गई, आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा और सारी चीज़ें समझ में भी आएंगी। इससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ता है, पढ़ने का एक तरीका होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ और मेरा कहना आप लोग माना करो, अच्छे बच्चे टीचर का कहना मानते हैं, तो आप लोग माना करो कहना। जैसे मैं बोलता हूँ ये मैंने पढ़ाया है क्या, आप लोगों को हाँ ना बोलना है, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और ये चीज़ें ज़्यादा दिन लंबे समय के लिए याद रहती हैं। तो क्षेत्रफल जो अपने पास होता है, एरिया फॉर्मूला, बताओ क्या होता है। अब जैसे मैं बोलूँ एरिया क्या होता है तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में। ये ऊपर वाला साइन एरिया का है, नीचे वाला सेमी पेरीमीटर का है, क्षेत्रफल अपॉन अर्ध परिमाप। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप लोग जहाँ भी अकेले बैठकर भी वीडियो देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन साथ साथ आप लोग बोला करो, जिससे आपका इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, आपको सब कुछ समझ में भी आएगा। कुछ लोग एकदम ऐसे इसके सामने बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या देखते रहते हैं, एकदम ऐसे हो जाता है पता नहीं क्या, कितनी सीरियस चीज़ देख रहे हैं, है ना। साथ साथ बोला करो जिससे अच्छी चीज़ें समझ में आए। अपॉन सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब तीनों साइड्स के सम का आधा, तो तीनों साइड्स का सम है a प्लस बी प्लस सी बाई टू, ये कट गया। अब देखो कैसे आया अपने पास। देखो एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये जो चीज़ें हैं r का मान जो होता है वो होता है a प्लस, r जो होता है वो होता है a प्लस बी माइनस सी बाई टू, जो आपको याद होना चाहिए। लेकिन ये मैं डायरेक्ट नहीं रटवाता हूँ, हर चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों का अगर समझा हुआ रहेगा तो वो ज़्यादा दिन के लिए याद रहता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी बाई टू होता है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या हमेशा और हमेशा a प्लस बी माइनस सी बाई टू होती है। लेकिन यहाँ पर जो अपने पास कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और पाइथागोरस थ्योरम से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या सी स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख दिया, तो हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर, और इसकी जगह सी स्क्वायर लिख के इधर ले आओ आप लोग 2ab। और अब बताइए अलग अलग स्क्वायर के बीच में अगर माइनस का साइन है तो एक बार तो प्लस लिख दो और एक बार आप लोग माइनस लिख दो, और 2 था तो 2 को नीचे ले आओ। अब बताओ a इंटू बी की जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, a इंटू बी की जगह यहाँ पर फॉर्मूले में, मैं ये आप ज्योमेट्री से भी कर सकते हो लेकिन मैं यहाँ पर अलजेब्रा से समझा रहा हूँ, कुछ चीज़ें मैं अलजेब्रा लगा दूंगा जिससे आपको थोड़ा सा जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। तो यहाँ मैं अलजेब्रा से ये चीज़ें समझा रहा हूँ, ज्योमेट्री भी हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास a इंटू बी की जगह हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, और अपोन में a प्लस बी प्लस सी तो चल ही रहे, ए प्लस बी प्लस सी से कट गया तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस टू, ये अपना आंसर आ गया जो आप लोगों को याद होना चाहिए। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला हमेशा होगा ए प्लस बी माइनस सी बाई टू, ये आप लोग ध्यान रखना, आपने लिख भी लिया होगा। और ज्योमेट्री के जो मैंने वीडियो बताए हैं उनको आप लोग देखिए, कम से कम मैंने 34 या 35 जो लेसन हैं वो आप लोगों के लिए डाले हैं उसके ज्योमेट्री में, जो हमने शुरुआत में थ्योरी के, उसके बाद काफ़ी सारे लेक्चर हमने बनाए क्वेश्चंस के, और क्वेश्चंस के लेक्चर और भी आते रहेंगे बीच बीच में, ये मत मानना कि ख़त्म हो गया, और भी कम से कम मैं 55 लेसन आप लोगों के लिए दूंगा ज्योमेट्री के, जिससे ज्योमेट्री पूरी कंप्लीट आपकी क्लियर हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अंतर्वृत्त की त्रिज्या अपने पास ये होती है, ये 3 है ये 4 है तो ये होगा 5, कोई इन रेडियस अगर पूछ ले तो 3 और 4 को तो ऐड करना है और 5 को माइनस करके डिवाइड करना है 2 से, क्या सॉल्व तो कर लोगे क्या, हाँ ना कुछ तो बोलो, जैसे मैं बोलता हूँ सोल्व कर लोगे क्या, तो हाँ बोला करो, ये तो सोल्व कर लोगे ना आप लोग। इसमें परिवर्त की जो त्रिज्या होती है, सर्कम सर्कल की जो रेडियस होती है, आर जो होता है ये अगर ए है ये बी है और ये सी है, जो आर होता है वो ए बी बाई टू, ध्यान रखना किसी में मैं ए बी सी ले लूँ तो ए सी बाई टू, यहाँ ए बी लिया है तो ए बी बाई टू, कर्ण का आधा होता है, हाइपोटेनस का हाफ होता है, रेडियस जो होती है वो हाइपोटेनस की हाफ होगी, ये आप लोग ध्यान रखना। जैसे यहाँ से परिवर्त की त्रिज्या निकालनी पड़े तो 5/2 यानी 2.5। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है, परिवर्त की त्रिज्या का फॉर्मूला ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और आजकल इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप लोग इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखना। परिवर्त की त्रिज्या क्यों, क्योंकि ये अपने पास डायमीटर का काम करेगा, और काफ़ी डिटेल से काफ़ी अच्छे से मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ कि ये अपने पास कर्ण का आधा क्यों होता है, ये मैंने आपको समझाया ज्योमेट्री में। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ज्योमेट्री
और मेंचुरेशन दोनों के मिक्स होकर क्वेश्चन आएंगे। तो साथ साथ जो मैंने ज्योमेट्री के वीडियोस डाले हैं उसको भी आप लोग कवर कीजिए, आपको ज़्यादा अच्छे से और ज़्यादा बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट पॉइंट फिर समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं और ध्यान देना और कोशिश करना समझने की। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एक जगह आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, लेकिन कहीं भी किसी भी बुक में किसी भी नोट्स में कहीं आप लोग किसी भी चीज़ के नोट्स पढ़ लो या कोई भी आप लोग जैसे क्लासरूम नोट्स पढ़ लो या नेट से पढ़ लो या कहीं कुछ भी पढ़ लीजिए, एक जगह सारे के सारे नोट्स कहीं पर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। तो आप लोग साथ साथ अपने नोट्स बनाते रहना जिससे आपको थोड़ा सा फ़ायदा मिलेगा। ये चीज़ें कहीं पर नहीं मिलेंगी आपको एक साथ। देखो इस प्रकार से एक ट्रायंगल है ए बी और सी, ये ए है ये बी है और ये सी है। यहाँ पर अपने पास ये मान लो 15 है और ये मान लो 20 है और ये मान लीजिए 25 है। यहाँ पर अगर हम लोग एक अर्धवृत्त अगर बनाते हैं इस पर, इस प्रकार से इस पर एक अर्धवृत्त अगर बना दिया जाए, कोशिश करना ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर एक अर्धवृत्त अगर बना दिया जाए जिसका सेंटर O मान लो, तो इसकी रेडियस क्या होगी, R का मान क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा जाएगा। रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को करने के अपने पास दो तरीके हैं, दो तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कैसे, देखिए कोशिश करना समझने की। यहाँ पर अपने पास और राइट एंगल ट्राइंगल के जितने भी पॉइंट्स, मैं बीच बीच में नहीं पढ़ाऊंगा आपको कि कहीं राइट एंगल ट्राइंगल का ये पढ़ा दिया, कहीं ये कॉन्सेप्ट कहीं बता दिया, ये कॉन्सेप्ट कहीं बता दिया। राइट एंगल ट्राइंगल के जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो मैं एक साथ ही आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश करना सीखने की। एक कोण 90 डिग्री है, दो तरीके से हम लोग कर सकते हैं, दोनों तरीके ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। ये कोण 90 डिग्री है, ये 90, और क्या एंगल ए दोनों ट्रायंगल में कॉमन है क्या? ए एंगल अगर 30 डिग्री है तो छोटे वाले के लिए भी वो 30 डिग्री होगा और बड़े वाले के लिए भी 30 डिग्री होगा। एक एंगल कॉमन होने के कारण बराबर और एक 90 डिग्री होने के कारण बराबर, तो क्या दोनों के दोनों त्रिभुज जो हैं वो सिमिलर हो गए क्या? मेरे जो सिमिलरिटी वाले वीडियो हैं समरूपता, क्योंकि ज्योमेट्री में मैं पढ़ा चुका हूँ उसको आप लोग देखिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला आर है, रेडियस है, तो ऊपर वाला बचेगा 15 माइनस आर, ये आर है तो ऊपर वाला बचेगा 15 माइनस आर बचेगा, तो ये आर था ऊपर वाला हुआ 15 माइनस आर। तो मुझे ये बताइए 90 डिग्री के सामने, दोनों एक 90 डिग्री है, एक कॉमन होने के कारण बराबर, 90 डिग्री के सामने छोटे वाले ट्रायंगल में सिमिलरिटी लगा रहा हूँ, यदि तीनों एंगल बराबर हैं तो ट्रिपल ए के रूल से सिमिलर हो गए, दो एंगल बराबर होते ही तीसरा अपने आप बराबर सिमिलर हो गए, और सिमिलर अगर हो गए सिमिलरिटी से तीनों भुजाएं समान अनुपात में, तो 90 डिग्री के सामने 15 माइनस आर, 90 डिग्री के सामने बड़े वाले की साइड 25, ये जो कॉमन है इसके सामने की साइड आर है और ये जो कॉमन है इसके सामने की साइड 20 है। अब इसको सोल्व करना है, 5 से कट गया 4 बार, 5 से कट गया 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया 60 माइनस 4 आर इक्वल्स टू 5 आर, तो 9R = 60 है, तो 3 बार 3 से 20 बार 20/3, ये अपना आंसर आ गया, पहला तरीका। इसका दूसरा कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, दूसरा तरीका भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ध्यान देना। ये इस प्रकार से ये 15 है ये 20 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल की ये साइड होगी 25। दूसरा कॉन्सेप्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो एक साइड 15 है, एक 20 है और एक साइड 25 है, तो इसको आप लोग कैसे करोगे, यहाँ पर दूसरे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन ये इस प्रकार से, तो आप एक काम कीजिए कंप्लीट ट्रायंगल बना लो इस प्रकार से, इधर भी इतना ही, जैसे 20 है तो इधर भी 20 और ये 25, एक और बना लो और यहां से कंप्लीट सर्किल आप बना दो इस प्रकार से। और अब मुझे ये बताइए आप लोग क्या एक ऐसा ट्रायंगल बन गया जिसका बेस तो 40 है, ये साइड 25, ये साइड 25, तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? इन रेडियस आप निकाल सकते हो? हाँ सर निकाल सकते हैं, इन रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। आप लोग मुझे बताइए इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया कितना होगा इसका? ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ट्रायंगल का एरिया, बेस कितना है 40, हाफ बेस तो 40 है और हाइट है 15 अपॉन सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब तीनों भुजाओं का सम, 40 और 50 90, 90 का आधा 90/2, 2 से 2 कट गया, 15 से 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार या 2 से 3 बार और 2 से 20 बार, तो सोल्व करोगे तो 20/3 आंसर अपने पास सेम वही आना है। तो आप लोग ध्यान रखना
कि अपने पास दो कॉन्सेप्ट हैं, या तो इस वाले तरीके से कर लेना या आप लोग इस वाले तरीके से कर लेना। लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जैसे जैसे क्वेश्चंस अपने पास बढ़ते जाएंगे, किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके क्लियर करने की कोशिश करूँगा। कैसे, देखिए यहाँ पर अब आप लोग मुझे बताइए, क्या कभी भी इस प्रकार से अगर कोई सर्किल बना लिया जाए, कोशिश करना समझने की, क्या अपने पास यहाँ पर सर्किल नहीं बनाकर, क्या अपने पास इस प्रकार से अगर मैं सर्किल बना दूँ एक सेमी सर्किल, तो क्या आप लोग उसकी रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो क्या इस अर्धवृत्त की? दोनों तरीके हैं, या तो अभी भी जो मैंने सिमिलरिटी लगाई उससे कर लेना, या अपने पास ऐसे ट्राइंगल बना देना और इस प्रकार से कंप्लीट सर्किल बनाकर, फिर ये 15 है, 15 बेस, अब की बार 20 की जगह बेस तो होगा 30, 15 और 15 30, वहाँ 40 था और हाइट 20 का काम करेगी। सेम कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन करने की कोशिश करना और इसकी रेडियस क्या होगी, ग्रीन वाले की रेडियस क्या होगी, ये कमेंट बॉक्स में आप लोग 100% लिखना। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि स्टूडेंट ने नया पॉइंट सीखा और वो एकदम से फिर खुश हो गया कि ये वाला तो नया कॉन्सेप्ट मैंने सीख लिया, लेकिन उससे जो अगला कॉन्सेप्ट है उस पर ध्यान नहीं दे पाता। और जब अचानक से क्वेश्चन आता ना इस टाइप से, देखो कैसे, और फिर क्वेश्चन इस प्रकार से आता है एग्जाम में, क्वेश्चन यहाँ तक पढ़ लिया आपने, यहाँ तक पढ़ लेते हो और फिर लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट सीख लिया, लेकिन उन कॉन्सेप्ट से आगे के कॉन्सेप्ट अगर सीखोगे तभी तो SSC 2018 या CDS के पेपर आप लोग क्लियर कर पाओगे। कैसे, देखिए, या कोई भी अदर स्टेट लेवल के एग्जाम में अगर, और हर एग्जाम में कोई भी दे लो आप लोग, कोई भी एग्जाम दे लो, आपके सामने मेंचुरेशन 100% देखने को मिलेगा। अब ये 15 है, ये 20 है और ये अपने पास 25, ये हमें पता है ट्रिपलेट्स आप लोगों को याद करने हैं और वो मैं आप लोगों को बता भी दूंगा जब रेक्टेंगल पढ़ाऊंगा। 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। लेकिन अब की बार देखो, स्क्वायर में यहाँ पर बनाना बता चुका हूँ, ऐसे बनाना बता चुका हूँ, मैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये सिखा रहा हूँ कि यहाँ पर अगर सर्किल इस प्रकार से बना दिया जाए सेमी सर्किल, तो उसकी रेडियस क्या होगी। अब बच्चे क्या करते हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट सीख लिया कि इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, इधर ये मिलाएंगे तो ये तो अब की बार तो क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, और क्वाड्रिलेटरल अपने लिए भारी का काम करेगा कि क्वाड्रिलेटरल का अपने पास कैसे निकालोगे, ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो हम लोगों को करना क्या है, इस सारे कॉन्सेप्ट हमें सीखने, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं उन सभी को हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका सिलेक्शन जल्दी होगा और आसानी से होगा। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये अपने पास इसकी रेडियस निकालनी है तो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ए फॉर्मूला होता है। हमेशा याद रखना, अगर इधर वाले सर्किल पर अपने पास, अगर हाइपोटेनस पर कभी सेमी सर्किल बना दोगे तो रेडियस का फॉर्मूला होता है a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर रेडियस जो होगी, 15 और 25 को तो गुणा कर देंगे हम लोग, 15 और 20 को तो, और डिवाइड कर देंगे 25 से, 5 से कट गया 3 बार, 5 से 5 बार और 5 से 4 बार, 4 × 3 कितना हुआ 12 है, और ये अपना आंसर है। अब जितने भी लोग बैठे हैं वो देखेंगे, अरे सर ने तो ये बढ़िया फॉर्मूला बताया, ट्रिक्स बता दी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ट्रिक्स ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, ये बता दिया और फिर इस पर बेस 4 क्वेश्चन करवा देंगे, चलो ये करो, या स्टूडेंट कर लेंगे, करवा देंगे नहीं, स्टूडेंट कर लेंगे 3, 4, 5, चलो ये करो, तो वो इस पर अगर सर्किल बना दिया जाए 3 × 4/5, ये आंसर। एक दो क्वेश्चन और 6, 8, 10 से कर लेंगे, 5, 12, 13 से कर लेंगे, लेकिन मुझे बताओ क्या फ़ायदा, जब तक आपको ये ही नहीं पता कि ये कैसे आया। और मैंने कहा था आप लोगों को, एक चीज़ ध्यान देना, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला ट्रायंगल का S S-A S-B S-C कैसे आया, ये भी अगर आपको चाहिए तो, कुछ स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि सर टेलीग्राम के लिंक पर डाल दो, वो मैं आज शाम तक टेलीग्राम के लिंक पर आप लोगों के लिए डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। और टेलीग्राम का लिंक मिलेगा कहां से, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग पहुंचिए, वहां पर मेरा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लोग क्लिक करो और उसको आप लोग ज्वाइन कर लो, जिस पर क्वेश्चंस भी मिलते हैं और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे मुझे ऐसी लगी कुछ, वो अगर आप लोगों को लगेगा कि सर टेलीग्राम के लिंक पर बता दो तो मैं उस पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। तो देखिए ये कैसा है, देखो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी कैसा है, ये चीज़ें आप लोगों को मतलब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो फिर आप लोग घबराओगे ही नहीं। जैसे ये साइड मान लो a है और ये साइड मान लीजिए b है, 10, 15, 20 छोड़ो, ये साइड a है और ये साइड b है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक रेडियस व टेंजेंट के बीच बना कोण 90 डिग्री। मैं इसको मिलाता हूँ, मुझे ये बताइए इस पॉइंट को अगर मैं एक बार पी ओ नाम दूँ सेंटर को, तो क्या आप इस ट्रायंगल का, ये रेडियस है, ये रेडियस, क्या आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे कि हाँ सर निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बी इंटू आर,
ये b है और ये r है, हाफ इंटू बी इंटू आर। इस ट्राइंगल का नीचे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, बेस a है और ये r है, बराबर टोटल का एरिया हाफ a इंटू बी। हाफ से आप सभी जगह से कट जाएगा, r कॉमन आएगा, तो a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। ये फॉर्मूला बना दिया, बेसिक से सोल्व किया और आपको लास्ट में रटवा दिया, वो एक ट्रिक्स बन गई। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, हमेशा और हमेशा एडवांस मैथ्स बेसिक से पढ़ना है, और जो अपने पास अर्थमेटिक मैथ्स हो वो बेसिक प्लस कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक्स, वो सभी चीज़ों से आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर ये 15 हो और ये अगर 20 हो तो वो 25 होगा, तो रेडियस होगी 15 गुना 20 बटे 25। इसको सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर हम लोग चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट और अच्छा और मैं बढ़िया तरीके से आपको समझाता हूँ। देखिए, इसके अंदर की तरफ दो समान सर्किल अगर रख दिए जाएं, अंदर की तरफ अगर दो समान सर्किल रख दिए जाएं यहां पर इस प्रकार से, उससे पहले एक चीज ये ध्यान रखना आप लोग, ये दो एक दो कॉन्सेप्ट छोटे छोटे बताता हूं, फिर वापस अच्छे और मेन कॉन्सेप्ट पर मैं आता हूं। ये इस प्रकार से ए है, बी है और सी है, यहां से अगर एल्टीट्यूड डाल दिया जाए पी, तो ध्यान रखना, या हम लोग इसको बी मान रहे हैं आज की क्लास में और इसको सी ऐसे लेकर चल रहे हैं, तो ये ए है और ये बी है और ये अगर सी है, तो ध्यान रखना अपने पास सी पी का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ से यहाँ तक इसको पी मान लो, इस पॉइंट को मान लो डी, तो पी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी। एक तो ये फॉर्मूला था, दूसरा अपने पास पी स्क्वायर मैंने बताया ए डी इंटू डी बी, ये अगर पॉइंट बी है तो, या इसको मैं सी डी स्क्वायर लिख देता हूँ, ये सी डी स्क्वायर बराबर अपने पास होता है ए डी इंटू डी बी। एक मैंने बताया कि ये वाली लेंथ अगर कभी निकालनी है यहाँ से यहाँ तक, ये चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा से पूछेगा, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। ये वाली लेंथ अगर निकालनी है तो बी का स्क्वायर करेंगे और कर्ण का भाग देंगे, और ये वाली लेंथ अगर निकालनी है तो ए का स्क्वायर करेंगे और कर्ण का भाग देंगे। चार फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग इसको याद रखना सभी लोग। और राइट एंगल ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एक पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होती है, सी स्क्वायर, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए, इस प्रकार से अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर, ध्यान देना, किसी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, जैसे ये 15 है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, या ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, अगर यहाँ पर इस प्रकार से सर्किल रख दिए जाएँ, एक सर्किल ये वाला और एक सर्किल ऐसे, तीनों को टच करते हुए अगर रख दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन वैसे पढ़ाने तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल में ही थे, लेकिन ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको करवा चुका हूँ। कहाँ पर? ज्योमेट्री में करवा चुका हूँ। ज्योमेट्री के सारे वीडियोज़ आप लोग देखिए, उनमें ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, वो मैं वहाँ पर करवा चुका हूँ जब ये तीनों को टच करे। तो ये तो मैं करवा ही चुका हूँ, तो वापस रिपीट क्यों करूँ, आप लोग वहाँ पर देख लेना। आज की क्लास में मैं ये समझा रहा हूँ आपको, या ये समझाने की कोशिश करता हूँ, कि अगर कभी भी दो सर्किल अगर आप लोग यहां पर पुट करो इक्वल रेडियस के, एक तो ये है और एक अपने पास ये है, दो सर्किल इक्वल रेडियस के, इधर वाला बड़ा नहीं इधर वाला छोटा नहीं, इक्वल रेडियस के अगर इसके अंदर की तरफ पुट कर दिए जाएं, तो उसकी रेडियस बताइए क्या होगी। देख, चलो सोल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही मैं कहूँ सोल्व करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज किया करो, मैं 40 या 45 मिनट का वीडियो बनाता हूँ, लेकिन वही आपकी जो क्लास होनी चाहिए वो लगभग एक घंटे की होनी चाहिए, क्योंकि मैं बीच बीच में वीडियो पॉज करवाता रहता हूँ आपसे। और आपकी क्लास मैंने कहा 6 से 7 फ्री रखा करो, 6 से 7 के बीच में आप लोग एक घंटा उस क्लास को दिया करो। कुछ नहीं समझ में आया तो रिवाइज़ करके भी देखना पड़ सकता है, इसलिए ध्यान दो, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए, अपने पास ये जो है यहाँ से यहाँ तक, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये होगा ए इंटू बी अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी। फॉर्मूला क्या याद रखना है, a इंटू बी अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी। आपको लगेगा दो सर्किल रख दिए जाएं, सर ने बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट बता दिया, और आंसर आ जाएगा 15 गुना 20 अपॉन 15 गुना 3 45, b की जगह हम लोग रखेंगे 20 और c की जगह 25, तो 15 गुना 20 अपॉन 90 आ जाएगा, 15 से 6 बार, तो ये आ जाएगा 10/3, और यही अपना आंसर है। लेकिन आप लोगों ने ये याद कर लिया ए इंटू बी अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी, और आपको लगा कि ये तो शानदार कॉन्सेप्ट हो गया, फॉर्मूला इसके लिए ये याद कर लिया, ऐसे सर्किल बनाया उसके लिए आप लोगों ने फॉर्मूला याद ये कर लिया ए इंटू बी अपॉन ए प्लस बी, एक इसके लिए और याद कर लिया, उसके लिए ये याद कर लिया, ऐसे याद नहीं रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है दो ही थोड़े ना बनाए, वो तीन बना दे, तो चलो ये बताओ फॉर्मूला अब क्या बनेगा।
यहाँ पर दो की जगह मान लो उसने तीन इक्वल रेडियस बना दिए, इक्वल सर्किल रेडियस बना दिए, रेडियस इक्वल है, ऐसे तीन बना दिया, चार बना दिया, पांच बना दिए, फिर वहाँ पर फंस जाओगे सर ने तो दो का समझाया था। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा बताता हूँ कि आप कॉन्सेप्ट समझा करो बजाय उन चीज़ों को रटने के। कॉन्सेप्ट क्या होगा उसके बाद आपको चाहे तीन बनाए या चार बनाए या पाँच बनाए, अभी थोड़ी देर में ही सिखा देता हूँ। देखो चाहे इसमें तीन सर्किल बनाए, चाहे पाँच बनाए, चाहे दस बनाए, चाहे 1000 बनाए, चाहे 50000 बनाए, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप तो इधर ध्यान देना बोर्ड पर, ये अपने पास कितना है 20 है, इसकी रेडियस मान लो r है, इसकी जो रेडियस है वो मान लो r है। चलो अलग अलग कलर से दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे, आपको भी लगे कि सर कलरफुल एकदम ऐसे कलर में पढ़ा रहे हैं। ये इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, इसकी रेडियस r, इस प्रकार से ये अपने पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस इक्वल है और इसका सेंटर मान लो O, इसकी रेडियस कितनी है r, जो मैंने ग्रीन से दिखाई है। अब देखिए मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत में बताया और मैंने कहा ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आए तो एक कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में लगाना, हो सकता है ये लग जाए जो शुरुआत में मैंने बताया था। शुरुआत में एक पॉइंट था जिसको मैं डायरेक्ट भी समझा सकता था, फिर भी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको समझाया था कि अलग अलग क्षेत्रफल निकालो, इनको मिलाओ। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर अपने पास ये जैसे एक बार ए बी सी से समझाऊँ क्या पहले, चलो ए बी सी से समझा देता हूँ। यहाँ पर अपने पास इस वाले ट्रायंगल का ये ए है, ये अपने पास बी है और ये अपने पास सी है, ये अपने पास ए ओ सी का क्षेत्रफल बताओ कितना होगा, रेडियस व टेंजेंट के बीच 90 डिग्री। ए ओ सी का जो क्षेत्रफल होगा, बेस तो ए है और हाइट 3r है, तो हाफ, बेस तो ए है और हाइट 3r है, प्लस इस वाले का बताओ सी ओ बी का क्षेत्रफल, बेस तो बी है और हाइट आर है, हाफ इंटू बी इंटू आर। ये मुझे तीसरा बताओ इधर वाले का क्षेत्रफल, ए ओ बी का क्षेत्रफल, बेस सी और हाइट आर, रेडियस और टेंजेंट के बीच 90 डिग्री, तो हाफ इंटू सी इंटू आर, बराबर टोटल का एरिया होगा हाफ इंटू ए इंटू बी। एक बार फ्रेम चेक कर लीजिए सर, इसकी फ्रेम सही है तो ठीक है, नहीं तो इसको सही कर दीजिए। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, हाफ यहाँ से कॉमन लेके कट जाएगा और r अगर बाहर आ गया तो 3a प्लस बी प्लस सी बराबर ए इंटू बी होगा, तो r की जो वैल्यू आ गई a इंटू बी अपॉन 3a प्लस बी प्लस सी। ये कुछ लोगों ने क्या किया, ऐसे सोल्व किया और फिर इसको ट्रिक्स का नाम देकर आपको रटवा दिया। अब आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि रटना नहीं है, इस प्रकार से है, अब चाहे तीन आ जाएँ, चाहे चार आ जाएँ, चाहे पाँच आ जाएँ, चाहे छः आ जाएँ, आप लोग कैसे करोगे, ये यहाँ से यहाँ तक 3r है, तो एग्जाम में चीज़ें करने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरी नहीं है, ये 15 है और ये 3r, तो लिखोगे हाफ इंटू 15 इंटू 3r प्लस हाफ इंटू बेस 20 इंटू आर प्लस हाफ इंटू ये 25 और अपने पास r बराबर हो गया अपने पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20 गुना 15। हाफ से हाफ सभी जगह से कट जाएगा और ये अपने पास 45r हो जाएगा, ये 20r, ये 25r, टोटल ऐड करोगे तो 90r बराबर 20 गुना 15 है, 15 से कट गया 6 बार, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, तो रेडियस अपने पास वही आ गई r बराबर 10/3, जो पहले इस फॉर्मूले से भी यही आएगी और इससे भी यही आएगी। अब देखिए कॉन्सेप्ट समझने का फ़ायदा क्या होता है, ये चीज़ याद नहीं करना, ये कॉन्सेप्ट समझने का फ़ायदा क्या होता है, देखिए मैं समझाता हूँ। अब आप लोग मुझे ये बताओ, क्या अपने पास इस प्रकार से ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, ये दो नहीं रख के अगर मैं तीन रखूं, सर्किल जो है 1, 2 और तीन सर्किल रख दो इक्वल रेडियस के, तो क्या आप लोग रेडियस निकाल लोगे क्या, आप कहोगे कि हाँ सर निकालेंगे, ये कितनी है r, ये कितनी है r और ये कितनी होगी 2r, 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 तो टोटल 2r, 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 तो ये हो जाएगी अपने पास 5r, मिलाना इसी को है, वही तीनों का क्षेत्रफल आप लोगों को निकालना है। ये अपने पास हुआ हाफ इंटू 15 इंटू 5r, ये अपने पास 2r, 2r, 5r, ये अपने पास हुआ हाफ इंटू 20 इंटू आर, ये हुआ अपने पास हाफ 25r, बराबर अपने पास होगा हाफ इंटू ए इंटू बी, हाफ गुना 20 गुना 25 गुना 15, है ना, क्या सोल्व कर लोगे क्या, तो अपना आंसर आ जाएगा। क्या यहाँ चार रख दे, पांच रख दे, छह रख दे, सात रख दे, कितने भी सर्किल रख दे, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या,
या अपने पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाए, देखो अब ये कितने भी सर्किल रख दो, आप 3, 4, 5 कितने भी सर्किल रख दो, खुद ही कर पाओगे कॉन्सेप्ट अगर आपके समझ में आ गया तो। हाँ ना, कुछ तो बोलो, समझ तो आ रहा है ना आपके? हाँ बोला करो। देखो नहीं समझ में आया तो पीछे से वापस रिपीट करके देख लिया करो। अब मुझे बताइए, ये तो मैंने इस पर रखे सर्किल, आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे ये बताइए, क्या इस पर सर्किल अगर रख दिए जाएं, 2, 3, 4, 5 क्या आप लोग कर लोगे? क्या तरीका? वही कॉन्सेप्ट, वही लगेगा। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि यहां पर अगर इस प्रकार से इसका जो हाइपोटेनस है, इस पर अगर मैं सर्किल रख दूं, 2 या 3 सर्किल अगर ऐसे रख दिए जाएं, 2 सर्किल मान लो, 1 और 2, तो क्या इसको सोल्व कर लोगे? क्या इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग होगा? अब सारी चीज़ें ही आप लोग मुझसे थोड़े ना सीखोगे, कुछ तो खुद को भी मेहनत करनी है ना? तो एक तो क्वेश्चन वो पहले वाला मैंने एक पूछा था कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, इस प्रकार से पूछा था। देखो अगर याद नहीं हो तो मैं याद दिलाता हूँ, मुझे सारी चीज़ें याद रहती हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन दूसरा मैंने पूछा है, दोनों क्वेश्चन इसको फर्स्ट मान लेना और इसको सेकंड मान लेना, और दोनों के आप लोग आंसर बताना कि क्या क्या आंसर है, कमेंट में आप लोग हमेशा लिखना। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग, कमेंट्स हमेशा आप लोग लिखा करो। जब भी आप लोग वीडियो देख के ऐसे ही चले जाते हो इधर उधर, वीडियो देखने के बाद या वीडियो देखने से पहले, पहले वाले वीडियोज़ भी आपने देखे होंगे, तो जैसे ही मेरा वीडियो आता है उसको देखने के बाद आप लोग हमेशा कमेंट किया करो। कुछ लोगों को कमेंट्स करना नहीं आता तो वो सीख लो, YouTube पे जाओ कि हाउ कमेंट कैसे किए जाते हैं, हाउ टू कमेंट ऑन YouTube वीडियोस, तो YouTube सब कुछ बता देता है आप लोगों को, तो वो सीख लो आप लोग, है ना? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, अगली चीज़ें कल शाम को फिर मिलते हैं, मैं अच्छा अच्छा आप लोगों को पढ़ाऊँ, तो आप लोग कमेंट्स करते रहा करो। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं।